राजधानी देहरादून में विवेकानंद फाउंडेशन आजकल अपनी एक के बाद एक नई पहल को लेकर सुर्खियों में रहता है। जी हाँ, सही सुना आपने, विवेकानंद फाउंडेशन अपने सामाजिक कार्यों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहता है। जैसा कि पूर्व में संस्था के लोगों ने रक्षाबंधन का त्योहार देहरादून के रैफल होम में रह रहे बच्चों के साथ मनाया, तो कल राजपुर रोड स्थित एक आवासीय स्कूल जहां अधिकतर बच्चे बेसहारा व अनाथ हैं, उनके साथ संस्था के सदस्य मोहम्मद आजिम ने अपने 5 वर्षीय बेटे का जन्मदिन केक काटकर मनाया, जहां लोग अपने बच्चों का जन्मदिन अपने घरों में मनाते हैं। विवेकानंद फाउंडेशन ने अपनी संस्था के माध्यम से समाज के बेरोजगारों को रोजगार देने की पहल कर ई रिक्शा खरीदकर एक युवक को ई रिक्शा की चाबी सौंप रोजगार का अवसर प्रदान किया। वहीं संस्था के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर खोलिया ने बताया कि उन्हें संस्था की सहायता से रोजगार देने की दिशा में ई रिक्शा देकर एक नई पहल की है। यदि आने वाले समय में इसी तरह से लोगों की सहानुभूति मिलती रहेगी तो संस्था अपनी एक न एक नई पहल करती रहेगी। हमने देखा कि शहर में बहुत बेरोजगारी है, गरीबी है, कुछ लोग हैं जो करना चाहते हैं, उनको करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। तो यही देखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना जो करना चाह रहा है उसके लिए कुछ किया जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने उस बंदे की कार्य करने की क्षमता को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि हमें ई रिक्शा उसे दें। इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली इस तरीके से स्वरोजगार दिया जाए? ये प्रेरणा हमें स्वामी विवेकानंद जी से मिलती है, उनके कृत्यों से मिलती है। उन्होंने ऐसे कार्य किए हुए हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। हमारा तो एक छोटी सी पहल है और उम्मीद करेंगे कि हमारे संस्था के सदस्य जिस प्रकार हमारे साथ सही एक मजबूती से खड़े हैं, आगे भी हम ऐसे कार्य करते रहेंगे। गरीब आदमी है, रोजगार है, देश हमारा, प्यारा देश हमारा, रोजगार है, मजदूरी भी करो, मजदूरी पैसे नहीं देते, रोजगार है, इसमें पैसे नगद आएगा, भूखे नहीं मरेगा इंसान। जो रिक्शा मिला इसे क्या करने वाले हैं? इसे चलाओ, अपने कमाओ, पेट बच्चों का पलेगा। हम लोगों ने प्लानिंग की थी 1 वीक पहले कि हम लोग अपने बेटे का बर्थडे अगर जो सेलिब्रेट करेंगे तो संस्था के लोग को ग्रुप में लेके और अनाथ बच्चों के साथ में सेलिब्रेट करेंगे, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले और बच्चों में थोड़ा उत्साह बढ़ जाए कि हम लोग इस वर्क में काम कर रहे हैं। मैंने फर्स्ट टाइम अपने बेटे का बर्थडे मनाया, 5 ईयर का बेटा हो चुका है मेरा, फर्स्ट टाइम मनाया और इन्हीं बच्चों के साथ में। आगे भी हम भविष्य में ऐसे ही प्रोग्राम करते रहेंगे बच्चों के साथ में। तो पहली बार अपने बच्चे का जन्मदिन मनाया? जी, फर्स्ट टाइम मनाया मैंने। तो यहाँ पे मनाया कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा महसूस हुआ, फर्स्ट टाइम मनाया है और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे प्रोग्राम। श्रमिक मंत्र के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की एक खास रिपोर्ट।